आप क्यों छुप रहे, छुप क्यों रहे? हेलो 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 गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? सो वेरी वेरी अप्रैल फूल टू ऑल ऑफ यू. आज मम्मा ने मुझे सुबह सुबह ही अप्रैल फूल बना दिया. इन्होंने बोला कि मामी ने बोला है कि उधर आना, कुछ काम है. और मैं और मैं गई मामी के पास. मैं कहा मामी आपने बुलाया था मेरे को, कुछ काम है? बोलते नहीं मैंने नहीं बुलाया था. फिर मैं कहा मम्मी ने बोला. बोलते अप्रैल फूल है आज तेरे को, उसने बेवकूफ बना दिया सुबह सुबह. हद है मामा, लोगों को बनाते, अपनी बेटी को ही बना दिया आपने बड़े भाई. आठ बज के 5 मिनट हो चुके हैं मेरा भाई. टूटनी नहीं चाहिए. ये मेरी फर्स्ट बॉटल. लेट्स स्टार्ट. वेलकम बैक एवरीवन. तो आज है मेरा 92nd डे. और इस सेशन में पहले मैं इकोनॉमी की पीटी पढ़ रही थी, जो कि यार मेरे 30-40 पेज बचे हैं, बट मैं उसको कम्प्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने कब वो पढ़नी छोड़ दी. और आज ना मेरी सबसे बड़ी गलती रही, मेरे पास मैंने आज पहले प्लान नहीं किया कि मुझे पूरे दिन भर क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है. और इसीलिए ना मेरा दिन ज़्यादा खास भी नहीं गया यार. और पीटी भी पोस्टपोन ही हो रही है कसम से, एक भी नहीं कम्प्लीट हो रही. गाइस 10 बज गए हैं और यार पता नहीं क्यों फोकस ही नहीं लग रहा है यार. ऐसा लग रहा है प्रोसेस मतलब आगे ही नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं यार. सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया, पता नहीं पूरे दिन भर क्या होगा मेरा. हाँ मैं बाहर बैठ रही थी, सब पपड़ी बन गई यार. ठंड लग रही है बाहर, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना. इसमें खा लिया. कान से भी धुआं निकाल लिया यार, गरम मिशते सुबह से ही कुछ ना कुछ कांड हो रहा है यार. एक मन नहीं कर रहा और एक तो डीमोटिवेट हो रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ. और दूसरा ये कोई बात नहीं गाइस, अभी तक अच्छा नहीं हुआ तो पर हम अपने दिन को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे. गाइस यार मैं सो गई, 12 बज रहे हैं. कोई बात नहीं, फिर से प्लान करते हैं सब कुछ, मन छोटा नहीं करना है, अच्छे से प्लान करते हैं और फिर से शुरू करते हैं. मन छोटा नहीं करना है, आई कैन डू इट. Let's start again. All the best to me. पता नहीं यार मूड ही ऑफ हो गया पूरा. पता नहीं क्या पूरा प्लान कुछ है था नहीं आज मेरे माइंड में. चलो शुरू करते हैं. यस. तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, जैसे टेस्ट भी लगाने हैं आपको, मंथली मैगजीन भी पढ़नी है, रिवीजन भी करना है, PYQ भी सॉल्व करना है. तो एक तो मैंने प्लान नहीं बनाया पूरा, ऊपर से फिर मुझे डिमोरलाइज मतलब अच्छा नहीं गया सुबह का सेशन, तो और डिमोरलाइज हो गई. सो एनीवे ये तो टेम्परेरी इमोशन है, मैं अभी थोड़ा अच्छा पढ़ूंगी ना मेरा मूड एकदम से अपलिफ्ट हो जाएगा. तो एक्चुअली मैंने अभी टेस्ट पेपर सोचा, मैंने सोचा पहले टेस्ट पेपर से ही शुरुआत करती हूँ, जो सबसे पीछे छूट रहा है उसको ही आगे लेके चलते हैं. और थोड़ी लाइट चीज़ भी है इसीलिए फोकस भी अच्छे से लगेगा, और फोकस अच्छा लगेगा तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और पूरा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा. सो दिस वॉज माई प्लान. गाइस अभी 1:30 बज रहे हैं और
आई एम हैप्पी राइट नाउ क्योंकि मैं अभी अच्छे से पढ़ रही थी तो मैंने PYQ थोड़े सॉल्व किए अभी अपने आप को थोड़ा कंसंट्रेट करने के लिए कोई लाइट चीज उठाई ताकि मतलब मुझे मन करे पढ़ने का. सो मैंने PYQ सॉल्व किए और अब मैं व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ. फिर 2 बजे से फिर से बैठना. आज कोई ब्रेक वेक नहीं क्योंकि ऑलरेडी ले लिया है. गुड आफ्टरनून ज्योतु. गुड आफ्टरनून. ये लीजिए. तो 2 बजे के बाद आई स्टार्टेड विद फंडामेंटल राइट. वैसे तो मेरा टेस्ट इवेलुएट करने के लिए भी था बट मेरा मुझे था कि ठीक है शाम को कर लूंगी. अभी मुझे कुछ और पढ़ना है ताकि मुझे लगे कि नहीं मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपने टारगेट. सो मैंने अभी फंडामेंटल राइट पढ़ा. आंखों को इतना सुकून मिल रहा है गाइस बाहर निकल के. मामा आजकल कबेड़ा टाइम मिलता आपको गाइस. यार ये फंडामेंटल राइट क्या चैप्टर है. मैं कसम से एक नाइटमेयर है ये मेरे लिए. मतलब मैं सब पढ़ लूंगी बट फंडामेंटल राइट नहीं. फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ सकती. कितनी डिटेल्स है. कितनी माइन्यूट डिटेल्स है इसमें भाई. हर एक वर्ड इस चैप्टर का हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है. छत की ओर चलते हैं गाइस. कोई मुझे देख रहा होगा ना नीचे से गांव की तरफ से. ऐसे फोन हाथ में लेके बाजू दर्द कर गई यार. मने मने तू बनाने ओके. बाय 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 बाय. अच्छा बड़े भाई गाइस मैं मम्मा की हेल्प कर रही हूँ खाना बनाने में. थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्रिया. प्याज का प्याज ही नहीं है गाइस. इस घर में प्याज नहीं है लहसुन नहीं है. परसला परसला का है. गाइस हमारे भाभी जी वापस आते हुए. प्रणाम. कैसे हैं आप? ठीक है. तो ये भाभी जी एक्चुअली गए थे अपने मायके मतलब मम्मा पापा के घर. और फाइनली कितने दिन बाद आ जाए? 9-10 दिन. हट यार वे 9-10 दिन तो हुए नहीं. अरे वाह. इसीलिए आजकल काव्यांश नहीं दिखता है क्योंकि वो अपने नाना के घर गया. कल से फिर से दिखने लगेगा. कहाँ रितु की रूममेट का कॉल आया ना. बोला कि रितु दी को हॉस्पिटल ले गए हैं. उनको चक्कर आया. डिहाइड्रेशन वगैरह हो गई है. तो मैं तो कन्विंस हो गई थी कि सच में हो गया. मम्मा ने मम्मा को पता चल गया कि अप्रैल फूल बना रहे होंगे ये. सो गाइस मेरे इस सेशन में मैंने पहले तो इवेलुएट किया मेरा टेस्ट पेपर. वो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था क्योंकि फिर मुझे था कि फिर तो मैं भूल जाऊंगी जो भी मैंने टेस्ट दिया आज. तो मैंने इवेलुएट किए. 50 क्वेश्चन ही किए थे मैंने सुबह. 50 मैंने रोज का टारगेट दिया कि 50 आज करूंगी 50 कल करूंगी. सो दिस इज हाउ आई कम्प्लीटेड माई डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.